नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइन सा। हिमालय के मेची महाकाली अभियान आज सप्तरी पहुंचत। भिनसरे से मोर्चा द्वारा प्रदर्शन, गली गली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ा। काल सिरहा में आम हड़ताल कर के मधेसी मोर्चा के निर्णय, प्रतिकार कर के चेतावनी। एमाले के अभियान के कोनो शक्ति रोक नहीं सकत, एमाले अध्यक्ष ओली के कहब। मधेसी मोर्चा सहित सहभागिता में टोकले समय में स्थानीय तक निर्वाचन संपन्न कर छोड़ के प्रधानमंत्री दहालक कहब। आ उत्तर कोरिया खेलक मिसाइल परीक्षण, जापान के समुद्र में फंसत। सप्तरी में आई भिनसरे से विभिन्न स्थान में प्रदर्शन भ रहा है। नेकपा एमाले की मेची महाकाली अभियान भाड़ा के उद्देश्य से मोर्चा के कार्यकर्ता भिनसरे से सड़क में उतरल। मोर्चा आई सप्तरी बंद के सेहो आह्वान कलक। बंदक अवज्ञा केने कहत रुपनी में 6 गाड़ी में मोर्चा सब तोड़फोड़ कने। संभावित भिड़ंत के ध्यान में रखत विभिन्न जिला से हजारों प्रहरी राजविराज के गली गली में परिचालन कल गया। मेची महाकाली अभियान अंतर्गत एमाले आई सप्तरी के मलेट स्थित औद्योगिक क्षेत्र में सभा करत जनौलक। कार्यक्रम भाड़ा के उद्देश्य के संग मोर्चा आई बंद कार्यक्रम, लाठी जुलूस आ विरोध सभा कार्यक्रम के घोषणा कने। एमाले के कार्यक्रम रोक लेल उम्हर मोर्चा गांव गांव से कार्यकर्ता सबके सदर मुकाम बजौने। एमाले अभियान के विरोध में मोर्चा के गतिविधि तीव्र बनला के बाद सप्तरी में सुरक्षा व्यवस्था अत्यंत कड़ा बनाल गया। स्थानीय प्रशासन नगर भीतर प्रवेश करे वाला सब नाका तथा एमाले पार्टी कार्यालय नेता के घर रहल क्षेत्र में चेक जांच, निगरानी और सुरक्षा के लिए नम्हर संख्या में सुरक्षाकर्मी परिचालन कलक। अही बीच एमाले मेची महाकाली अभियान के लक मोर्चा कार्यकर्ता से होब सकय वाला अवरोध आ संभावित झड़प के ध्यान में रखत सप्तरी प्रवेश करे वाला रूट आ कार्यक्रम स्थल परिवर्तन कलक। ऐसे आगू एमाले राजविराज के राज रंगशाला में आमसभा करे के तैयारी कने। एमाले सप्तरी के अध्यक्ष गोविंद नेपाने झड़प की संभावना के ध्यान में रखत कार्यक्रम स्थल राजविराज से 3 किलोमीटर दूर मलेट गावे से स्थित औद्योगिक क्षेत्र में घुसकाल गेल जानकारी दिलत। अहिना के बाजार क्षेत्र से प्रवेश करे वाला पुरान रूट परिवर्तन का राजमार्ग होते कार्यक्रम स्थल प्रवेश करे के नया रूट निर्धारण कल गए वो जानकारी दिलत। यद्यपि मोर्चा वही ठाव में सेहो कार्यक्रम कर नहीं देव से चेतावनी देने आई है। ऐसे आगू संयुक्त लोकतांत्रिक मधेसी मोर्चा सप्तरी नेकपा एमाले के मेची महाकाली अभियान विरुद्ध लाठी या मशाल जुलूस निकालने छल। मोर्चा कार्यकर्ता सब एमाले के कार्यक्रम भाड़ा के उद्देश्य के संग आह्वान केने बंद के पूर्व संध्या में कल राजविराज में लाठी या मशाल जुलूस प्रदर्शन केने छल। आई संबंध में ताजा जानकारी देव के लिए हमारे सबके समाचारदाता अखन सप्तरी से एम के माझी जी टेलीफोन संपर्क में छथि, उनका सब बातचीत करी। एम के माझी जी, जी ब्रह्मानंद जी, अखन सप्तरी के अवस्था केहन देख रहा जे किसिम से अखन एमाले कह रहा हम सब मेची महाकाली अभियान अंतर्गत अठन कार्यक्रम करब, मोर्चा कह रहा जे कार्यक्रम नहीं कर देवे, एहन स्थिति में आई की स्थिति केहन देख रहा सप्तरी के? जी ब्रह्मानंद जी, एक अवस्था सप्तरी के अभी बहुत तनावपूर्ण अवस्था कहल जा सके छे, कैला कि आई जैसे अपने के एमाले के मेची महाकाली अभियान के अवरोध करे के हिसाब से संयुक्त लोकतांत्रिक मधेसी मोर्चा जैसे आई सप्तरी बंद के आह्वान करने से आ ई क्रम में आई सुबह भोरे से जैसे अहा के सप्तरी सदर मुकाम राजविराज लगात अहा के प्रमुख बाजार सब जैसे जना रुपनी, हनुमान नगर, भारद, कल्याणपुर लगात के प्रमुख बाजार सब में आई सवेरे से जैसे मोर्चा के कार्यकर्ता सब तैयार पाल के लक्खी जुलूस प्रदर्शन करके विरोध कर रहा थे। के कोनो अप्रिय घटना नहीं हो उद्देश्य स्थानीय प्रशासन जैसे सुरक्षा व्यवस्था से बहुत कड़ा बने अवस्था थे ब्रह्मदेव जी। अही क्रम में जैसे अहाँ के सप्तरी लगात सुलसरी, सिरहा, मोरंग, झापा, उदयपुर तक से सुरक्षाकर्मी के राजविराज सदर मुकाम में केंद्रित करल अवस्था थे। आ मोर्चा के प्रदर्शन भ रहा है अभी वही लाके स्थिति बहुत तनावग्रस्त कहल जा सके ब्रह्मानंद जी। एम के जी, ओहिठाम मोर्चा के कार्यकर्ता सब भिनसरे से प्रदर्शन कर रहा है, ओहिठाम स्थानीय मोर्चा सब जना राजविराज सदर मुकाम में मात्र से कि आसपास के क्षेत्र में सेहो छे, आ आसपास के गाम घर से सेहो मोर्चा के कार्यकर्ता सब आयल छे कि ओहिठाम के छे खाली? नहीं, हम में जैसे अपने के गांव गांव से आदमी सब मोर्चा के कार्यकर्ता जैसे सदर मुकाम में अभी केंद्रित छे, लगभग 5,000 के संख्या में अभी नगर क्षेत्र में प्रदर्शन कर रहा है। अभी जस्ट कुछ देर पहले के बात अपने के जानकारी दी, सप्तरी के रुपनी में प्रदर्शन कर रहा मोर्चा के कार्यकर्ता में से दुईटा, एक सद्भावना पार्टी के केंद्रीय सदस्य दिनेश यादव
रामसभा के विद्यार्थी मंच के केंद्रीय सदस्य मुकेश कौल के प्रहरी जैसे नियंत्रण में लेने से वही जगह अभी तीन टा गाड़ी में तोड़फोड़ भेल से बंद के अवज्ञा करल के कह के एनाइए आगे कंचन रूप नगर पालिका क्षेत्र में तीन टा मोर्चा के प्रदर्शनकारी के पकड़ो पड़ स्थानीय प्रहरी द्वारा पकड़ो पड़ल गेल से वहाँ पर आके दुईटा गाड़ी में तोड़फोड़ भेल से कुल मिला के सत्तरी के स्थिति अभी कहल जेते तो बहुत तनावपूर्ण अवस्था में से कोनो अप्रिय घटना घटे के संभावना ओतिके देख रहल छिए। प्रधान जी एमके जी बंद के क्रम में ओहिठाम केहन किस्म के बंदी कैल गेल छै? खाली सवारी साधन रुकल छै या दुकान व्यापार सब बंद छै? केहन किस्म के बंद एहिठाम? यहाँ बंद के क्रम में कहबे तो बाजार तो पूरे बाजार बंद छै सदर मुकाम में ओनाहिए हनुमान नगर भारद कल्याणपुर कठौना लगायतों के क्षेत्र में बाजार बंद छै। यातायात पूरे ठप अवस्था में छै। शिक्षण संस्था सब बंद छै। एते कहबे तो सरकारी कार्यालय तक पूरा ठप छै आज के दिन। आ मोर्चा के कार्यकर्ता सब जे छै अहाँके नगर के गली गली में लाठी ला के घूम रहल छै आ नाराबाजी कर रहल छै। विशेष करके ओकर सबके एकटा बात की छै कि मधेश आंदोलन के क्रम में तथा संविधान सभा में जे विधेयक प्रस्तुत भेल छलै संशोधन के ओहि में जे एमआरए के भूमिका रहलै आ ओली के जे मधेश विरोधी अभिव्यक्ति सब निरंतर आबैत रहलै ओहि से स्थानीय बासिंदा बहुत आक्रोशित छै। ओली के कार्यक्रम कोनो हालत में सप्तरी में नहीं हेतै ओकर सबके आराम से तेनाहित अहाँके एमआरए के फेर की छै तऽ ओ सब कहै छै कोनो पनि हालत में कार्यक्रम करछौं तऽ ओहि लए कऽ जे छै भीड़ के संभावना एकदम बढ़ि गेल छै। रहन जी मेसी महाकाली अभियान अंतर्गत के एमआरए के कार्यक्रम जो होवे वाला छै से अखन सप्तरी पहुँचल छै कि नहीं आ पहुँचतै तऽ कते बजे तक पहुँचक अनुमान छै? ई महाकाली मेसी महाकाली एमआरए के जे अभियान छै हमसब अभी तुरंत एमआरए के स्थानीय एक दुईटा नेता से गप करलिए तऽ ओ अभी इटहरी से अब निकले के तैयारी में छै। इटहरी से 10-15 मिनट के बाद ओ अभियान निकल के अहाँके इनरवा में एकटा आम सभा सेहो छै तऽ ओ आम सभा इनरवा में करके ओकर बादे राजविराज जेतै। कुल मिला के राजविराज के अभी तक के जानकारी के अनुसार 3-4 बजे तक प्रवेश करे के बात भए रहल छै। रहन जी सप्तरी में कुन कुन ठा में जना झड़प या अवरोध या केहन किस्म के काज सब भेल छै सप्तरी में? अब सप्तरी के अब मूल ओकर सबके आम सभा स्थल तऽ पहिले राजविराज के राज रंगशाला छलै तै करने एमआरए वाला सब मगर की भेल छै ओहिमे कि नगर क्षेत्र में जे 2-3 दिन लगातार जे जुलूस सब निकल रहल छै लोकतांत्रिक मोर्चा के ओहि लाके लगभग अप्रिय घटना होते भिड़ंत भए जेतै कियाकि स्थानीय प्रशासने के सुझाव में एमआरए वाला सब जे छै अहाँके सदन मुकाम राजविराज से 3 किलोमीटर दूर में पड़े छै मलेख गावी सब स्थित गजेन्द्र नारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्र में कार्यक्रम स्थल तय करने छै। हालांकि ओहो जगह में मोर्चा के प्रदर्शन अभी सवेरे से भए रहल छै। वहो पर जे छै अहाँके कार्यक्रम स्थल में सुरक्षा कर्मी के बहुत बाकलो उपस्थिति करायल गेल छै कोनो अप्रिय घटना नहि हो कहिके ओकर बावजूद कार्यक्रम स्थल में जे छै अपने के लगभग 40-50 टा मेले के एमआरए के स्थानीय नेता सब जे छै ओ भीतर में छै ओकरो कड़ा सुरक्षा निगरानी में रखल गेल छै। सब साधारण के भीतर जाइयो के अभी तक ओहिमे नहि देल गेल छै। प्रवण जी सुरक्षा कर्मी सब के मतलब केहन अवस्था छै अखन ओहिठाम? कते बाहरो जिला से मंगायल गेल छै या ओहिठाम के छै केना छै? सुरक्षा कर्मी तऽ अब सप्तरी जिला के बाहेक अपने के सुनसरी मोरंग झापा सिरहा उदयपुर ई सब जगह से मंगायल गेल छै। लगै छै बाजार में जते प्रदर्शनकारी छै ओकर तुलना में लगभग 5,000 अहाँके सुरक्षा कर्मी नगर क्षेत्र में मात्र परिचालन भेल छै अभी। आ प्रदर्शनकारी के संख्या कहबे तो सवेरे मोटामोटी 5-6 हजार के संख्या में प्रदर्शनकारी सब चले नगर में आ अहाँके गाँव गाँव से अभी आबे वाला क्रम देख रहा छे। लगभग अभी 10 हजार के हाराहारी में मोर्चा के कार्यकर्ता सब सदर मुकाम में पहुँच गेल छै। प्रवान जी धन्यवाद एम के माझी जी। इस तरह हमार सबके सहकर्मी समाचारदाता सप्तरी से एम के माझी जी ई जानकारी दिलत जे अखन ओतय के स्थिति तनावपूर्ण छै। अब अखन किस काल के बाद मेची महाकाली अभियान अंतर्गत के एमआरए के कार्यक्रम होवे वाला छै से 3-4 बजे धरि होवे के कार्यक्रम छै आ ओहि के लेल आइ भिनसरे से जेना मोर्चा सब बंद के आह्वान केने छलैया ओहि अंतर्गत ओसब भोरे से आइ विभिन्न स्थान में टायर वायर के प्रदर्शन सेहो कर रहल अछि आ तहिना एम्हर सुरक्षा कर्मी सब सेहो व्यापक रूप में खटाओल गेल अछि ताकि कोनो अप्रिय घटना नहि हुए। आ मोर्चा के कार्यकर्ता सब गाम गाम से सेहो आबि रहल अछि जमा भ रहल छै ओहिठाम आ एम्हर एमआरए के कार्यकर्ता सब कहिए के छोड़ अड़ान लेने छै तहिना तऽ मोर्चा के कार्यकर्ता सब आइ ओहिठाम अभियान कार्यक्रम नहि होबय देबी तै अड़ान में छै। आप चली आगू के समाचार दिस नेकपा एमआरए के मेची महाकाली अभियान के लऽ कऽ सप्तरी में तनाव बढ़ गेल अछि।
एमाले कार्यक्रम कहिए छोड़ब मोर्चा कहे कौन हालत में होब नहीं देवे प्रशासन कहे तनाव होब नहीं देव सब रणनीति अपनाओ जात सप्तरी से एमके माझी के एक रिपोर्ट। मेची महाकाली राष्ट्रीय अभियान अंतर्गत सोम दिन एमाले अध्यक्ष केपी ओली आ शीर्ष नेता सब सहित आब वाला टोली के अवरोध करवाक आ सप्तरी में कार्यक्रम होब नहीं देवाक मधेसी मोर्चा से घोषणा भेला के बाद ओत तनाव बढ़त गेल छे। मोर्चा के कार्यकर्ता से एमाले के ई अभियान केनाहू के भाड़वाक तैयारी कैल गेला के बाद स्थानीय प्रशासन कोनो तरहक घटना होब नहीं देवाक तैयारी में जुटल देखल गेल छे। मोर्चा अपना सब आंदोलने में रहल आ अही में व्यवधान पहुँचेबाक कोनो काज होब नहीं देवाक हिसाब से अपना सब आगा बढ़ल बतबित आयल अछि। एमाले के कार्यक्रम भाड़ा खोजत काल भ सकबाक संभावित झड़प के लक तीन दिन एम्हर प्रमुख जिला अधिकारी आ सुरक्षा निकायक प्रमुख सब बीच सुरक्षा रणनीतिक विषय में निरंतर परामर्श भ रहल अछि। एकर तैयारी स्वरूप सप्तरी के संवेदनशील स्थान आ चौक सब पर बहुत मात्रा में सुरक्षा कर्मी खटाओल गेल अछि। एमाले कार्यक्रम करे के छोड़बाक आ मोर्चा कोनो हालत में कार्यक्रम होब नहीं देवाक अड़ान लेला के बाद झड़पक संभावना बढ़त गेल अछि। मोर्चा एमाले के सोम दिन होब वाला कार्यक्रम के भाड़ वही दिन चक्का जाम मशाल जुलूस लाठी जुलूस तथा विरोध सभा सहितक कार्यक्रम घोषणा कयने अछि। अभियान में सहभागी एमाले अध्यक्ष ओली मधेश विरोधी भेल कहत हुनका विरुद्ध नाराबाजी करबाक आ प्रदर्शन करबाक क्रम सेहो शुरू भ चुकल अछि। मोर्चा एमाले के ई अभियान भाड़ा आ एकर लेल जनसहभागिता बढ़ेबाक उद्देश्य से गाम गाम में माइकिंग संगी पर्चा वितरण कऽ रहल अछि। एमाले के मेची महाकाली अभियान अंतर्गत अध्यक्ष केपी ओली सप्तरी अयबाक निश्चित भेलाक बाद मोर्चा एकर प्रतिकार करबाक निर्णय कयने मोर्चा सप्तरी संयोजक दिनेश कुमार यादवक कथन अछि। ओ एमाले अध्यक्ष ओली के विभिन्न समय में आयल मधेश विरोधी अभिव्यक्ति आ अड़ानक कारण मधेशक जनता प्रतिकार में उतरल बतौलन। मधेश विरोधी को मधेश विरुद्ध को बीच मन करने काम गरेको कारणले यहाँ का जनता आक्रोशित छन्। हाम्रो निरंतर आंदोलन भएको कारणले हामी पनि अब त्यो सप्तरी को पनि त्यो 23 गते चक्का जाम छ 22 गते हाम्रो मसाल जुलूस छन् लाठी जुलूसहरू छन् त्यो हामीले चक्का जामलाई तोड्ने विफल गर्ने जुनसुकै प्रकारले एमाले मात्र हैन जुनसुकै पक्ष आयो भने हामी त्यसको प्रतिकार गर्छौं। एमर नेकपा एमाले के सप्तरी अध्यक्ष गोविन्द न्युपाने लोकतन्त्र में प्रजातान्त्रिक तरीका से सब दल आ समुदाय अपन अपन विचार लक जनता में जाय पैबाक चाहिए कहत मोर्चा के एहन रवैया अराजकता के नमूना भेल प्रतिक्रिया दिलन। वहाँ अवैधानिक अलोकतांत्रिक काम शुरू कर अब उहाँहरूले एउटा लोकतन्त्र जसको लागि हामीले गर्यौँ सभा गर्ने हामीले आफ्नो विचार राख्ने संगठन गर्ने जुलुस निकाल्ने यी सबका लागि जुन हामीले जुन लडाइँ लडेर आज प्राप्त गरेका छौँ त्यो पनि त्यो मान्यता एउटा लोकतन्त्रको जो मूल्य मान्यता र मर्यादा हुन्छ त्यसलाई नाप्दैछ। प्रहरी उपरीक्षक दिवेश लोनी एमाले के मेची महाकाली अभियान आ मोर्चा से आई के अवरोध पहुँचेबाक उद्देश्य लेने विषय पर अपना सब गंभीर रहल बतौलन। ओ एहि क्रम में कोनो घटना नहीं होब देव प्रहरी प्रशासन आवश्यक संपूर्ण तैयारी क चुकल समेत जानकारी दिलन। हमी अंचल क्षेत्र समेत आएर यहाँ को व्यवस्था मिला राखेको छ। अब अवश्य पनि यो एमाले को जुन कार्यक्रम छ त्यो कार्यक्रम उहाँहरूको देशव्यापी रूपमा हुन लागेको कार्यक्रम चाहिँ सुरुवात आज जुन भा झापाबाट भएको छ यहाँ पर्सि 23 गते उहाँहरू बस्ने ठाउँ र भोलिपल्ट फर्किने 24 गते फर्किनेसम्मको सम्पूर्ण व्यवस्थाहरू हामी मिलाइसकेका छौँ। यही तनाव हेबाक अवस्था के कारण सोम दिन राजविराजक राज रङशाला में करबाक कहने कार्यक्रम आब औद्योगिक क्षेत्र में करबाक एमाले तय केने अछि। मुदा मोर्चा ओतो एमाले के जान नहीं छोड़ने छै तहिना दोसर कार्यक्रम वही दिन कंचनपुर में करबाक तय भेल अछि। अपन टेलीविजनक लेल सप्तरी से एमके माझीक रिपोर्ट। संयुक्त लोकतांत्रिक मधेसी मोर्चा सिरहा सेहो काल्हि आम हड़ताल के घोषणा कयने अछि। मोर्चा सिरहा फागुन 23 गते कारी झंडा सहित मशाल जुलूस आ 24 गते जिला आम हड़ताल करे के निर्णय कयने अछि। मधेसी प्रति करैत आयल विभेद के निरंतरता देव के प्रपंच के रूप में एमाले मेसी महाकाली अभियान लेने मधेस प्रवेश कयने मोर्चा के आरोप अछि।
मोर्चा सिरा एमालेके अभियान स्थगित कर सो आग्रह कल संगे अपना सबके आग्रह के व्यवस्था कैल गल अपने सब चुप लाइक के नहीं बैसब आ ओकर बाद हो वाला घटना के जिम्मेवारी एमाले के लेब परत मोर्चा चेतावनी दिलक है। मेची महाकाली अभियान अंतर्गत एमाले सिरा के गोल बाजार में काल कार्यक्रम कर जनौलक है। अभी सिरा के मिर्सैया में मोर्चा के कार्यकर्ता सब एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली के पुतला से जरौने तमलोपाक भातृ संगठन तराई मधेश युवा फ्रंट धनुषा नेकपा एमाले के मेची महाकाली अभियान भाड़ के निर्णय कलक है। जनकपुर में काल बैसल युवा फ्रंटक बैसार से एमाले मेची महाकाली अभियान अंतर्गत फागुन 25 गते जनकपुर में होब वाला कार्यक्रम भाड़ के निर्णय कलक है। फ्रंट इ कार्यक्रम में सहभागी नहीं होब एमाले के मधेशी नेता तथा कार्यकर्ता से आग्रह से कने आई कार्यक्रम में सहभागी होब वाला के प्रतिकार कल जात से फ्रंट जारी केने विज्ञप्ति में उल्लेख है। एम्हर मधेशी मोर्चा धनुषा रवि दिनक बैसार से फागुन 25 गते धनुषा में आम हड़ताल के संगे प्रदर्शन मशाल जुलूस चलू जनकपुर भरू जनकपुर लगायत कार्यक्रम सब सार्वजनिक कर चुकल है। नेपाल सद्भावना पार्टी गजेन्द्रवादी मधेशी मोर्चा के नेता सबके देशी विदेशी शक्ति सबके प्रयोग के गोटी बनल आरोप लगौलक है। गजेन्द्रवादी के अध्यक्ष विकास तिवारी रवि दिन विज्ञप्ति जारी करते एहन आरोप लगौलने ओ कांग्रेस एमाले माओवादी राप्रपा सहितक दल सब मधेश विरोधी रहला से एमाले के मात्र विरोध नहीं भक ओ सब दल के विरोध कर परत बतौलन एक दल के विरोध कर के आ दोसर दल संग सटि के बैसक के प्रवृत्ति से मधेशी मोर्चा प्रयोग के गोटी मात्र रहल तिवारी के ठहर छन। ओ एमाले सहित सब नम्हर दल मधेश विरोधी रहला से समान रूप में प्रतिवाद तथा प्रतिकार कर परत से विज्ञप्ति में उल्लेख कैलन। स्वतंत्र मधेश गठबंधन के संयोजक डॉक्टर सी के राउत के थुना में राख सिरा अदालत चारिम बेर 20 दिनक म्याद थप कलक है। डॉक्टर राउत के संगे लहान से पकड़ाव पड़ल अन्य 10 समर्थक सबके रवि दिन भिनसर इलाका प्रहरी लहान सिरा अदालत में पेश कने छल। संगठित अपराध विरुद्धक मुद्दा चलाव अनुसंधान के लिए प्रहरी थप 20 दिन मंगला के बाद अदालत अनुमति दिलक है। ओकरा सबके आब चैत 13 गते पुनः अदालत में पेश कैल जात। ऐसे आगू अनुसंधानक लेल अदालत 10-10 दिन कक 30 दिन द चुकल है। संगठित अपराध विरुद्धक मुद्दा में प्रहरी 60 दिन धरि हिरासत में राख सक के कानूनी व्यवस्था है। डॉक्टर राउत के माघ 20 गते जनकपुर स्थित डेरा से प्रहरी पकड़ाव कर लगल छल। प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेक शीर्ष नेता सब मेची महाकाली अभियान के कोनो शक्ति रोक नहीं सकत बतौलक है। रवि दिन मोरंग के विराट चौक में आयोजित आम सभा के संबोधन करते एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली एमाले के अभियान के क्यों रोक नहीं सकत बतौलन। कार्यक्रम में सुभाष नेमवांग भीम रावल सहितक नेता सब सेहो एमाले अभियान नहीं रुकत बतौलन। रवि दिन भिनसर वीरता मोड़ से आगू बढ़ल एमाले के मेची महाकाली अभियान उर्लाबारी मंगलाबारी डांगी गांव बेलबारी होत आगू बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल संविधान संशोधन बांकी राय के हैत तैयो तोकले मिति में स्थानीय तह के निर्वाचन कहिए के छोड़ के प्रतिबद्धता व्यक्त कैलन। संविधान संशोधन विधेयक संसद से पारित नहीं होब के अवस्था में आगू बढ़ बढ़िया बांकी राय के निर्वाचन में जाय उत्तम हैत तर्क दैत प्रधानमंत्री दाहाल मधेशी मोर्चा के सेहो निर्वाचन में सहभागी होब आग्रह कैलथ। विराटनगर में रवि दिन संचारकर्मी सब संग बातचीत करते संविधान संशोधन विधेयक में समेटल गेल विषय स्थानीय तह संग संबंधित नहीं रहल कहत मधेशी मोर्चा के सेहो निर्वाचन में सहभागी होब आग्रह कैलथ। एमाले संचालन केने मेची महाकाली अभियान के सकारात्मक रूप में लेब परत कहत प्रधानमंत्री दाहाल लोकतंत्र में राजनीतिक दल शांतिपूर्ण तरीका से अपन विचार जनता के बीच लजाइत काल ककरो अवरोध कर नहीं चाहिए बतौलन। प्रधानमंत्री दाहाल पूर्वांचल विश्व विद्यालय के दीक्षांत समारोह में सहभागी होब विराटनगर गेल रहत। मिथिला माध्यमिकी परिक्रमा के आई नवम दिन श्रद्धालु भक्तजन सब आई धनुषा के धनुषा धाम पहुँचल। साधु संत किशोरी तथा बिहारीजी के टोला के संगे श्रद्धालु तथा भक्तजन सबक टोली धनुषा धाम प्रस्थान केने आई रात धनुषा धाम में विश्राम क परिक्रमा टोली काल्हि सतोखर के लिए प्रस्थान करत। धनुषा के कसूरी के मठ से मिथिला बिहारीजी के टोला आ जनकपुरक रत्न सागर स्थित मठ से किशोरीजी के टोला के विधिवत रूप में निकाल कर 15 दिनक मिथिला माध्यमिकी परिक्रमा के शुरुआत कैल गेल। परिक्रमा के टोली सतोखर और ही करुणा बिशोल होत पुनः कलना पहुँच कर 15 दिन में जनकपुर आओत। ओकर बाद जनकपुर में अंतर्गृह परिक्रमा संगे माध्यमिकी परिक्रमा समापन होत। ओकर एक दिन बाद जनकपुर में होली खेलबाक सेहो परम्परा रहल। परिक्रमा के टोली नेपाल के 107 आ भारत के 26 किलोमीटर का 133 किलोमीटर के दूरी पैदल तय करते हैं। आप इंटरनेशनल न्यूज। उत्तर कोरिया मिसाइल परीक्षण केने दक्षिण कोरिया दावी कलक है। उत्तर कोरिया परीक्षण केने मिसाइल जापान के समुद्र में खसल आ मिसाइल के विषय में विस्तृत किस जानकारी नहीं आयल दक्षिण कोरिया जनौलक है। चीन संग सीमा जोड़ल गेल तोंगच्यांग रिज क्षेत्र से गेल बीतल सोम दिन उत्तर कोरिया मिसाइल परीक्षण केने दक्षिण कोरिया के सेना जनौलक है। बीतल महीना
उत्तर कोरिया नेता किम जोंग उनके उपस्थिति में नया प्रकार के बैलिस्टिक मिसाइल के सफल परीक्षण कैने छल। संयुक्त राष्ट्र संघ उत्तर कोरिया ऊपर कोनो प्रकार के मिसाइल परीक्षण तथा आणविक प्रविधि प्रयोग में प्रतिबंध लगौलकै छ, मुदा ओ अपन आणविक कार्यक्रम के निरंतरता दै त्यालै छ। बीतल महीना भेल मिसाइल परीक्षण के संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका दक्षिण कोरिया तथा जापान निंदा कैने छल। एमालेकै मेची महाकाली अभियान आई सप्तरी में पहुंचत। भिनसरेसा मोर्चा द्वारा प्रदर्शन, गली गली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ा। काल सिरहा में आम हड़ताल करके मधेसी मोर्चा के निर्णय, प्रतिकार करत चेतावनी। एमाले के अभियान के कोनो शक्ति रोक नहीं सकत, एमाले अध्यक्ष ओली के कहब। मधेसी मोर्चा सहित सहभागिता में टोकले समय में स्थानीय तक निर्वाचन संपन्न कक छोड़ के प्रधानमंत्री दहालक कहब। आ उत्तर कोरिया केलक मिसाइल परीक्षण, जापान के समुद्र में फंसल। अपन ही सखन के लीला पे पल पल खबर तेज नजर देखते रहिए अपन टीवी। नमस्कार।